अब हम क्लोरोफार्म के उपयोग पढ़ेंगे, क्लोरोफार्म के क्या उपयोग होते हैं। ठीक, नंबर एक आ रहा है, इसका उपयोग दवाओं के रूप में किया जाता है, इसके रूप में दवाइयों में। दूसरा नंबर है, जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, कौन, क्लोरोफार्म। तीसरा नंबर पर, सुगंधित पदार्थ बनाने में भी क्लोरोफार्म का प्रयोग किया जाता है, इसके रूप में सुगंधित पदार्थ बनाने में। रबर, चर्बी, वसा आदि के लिए विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। विलायक मतलब जो घुलनशील नहीं है, उनके घुलने योग्य बनाएंगे और बना करके कोई अन्य वस्तु बनाया करते हैं। ठीक, चौथा नंबर गया। पांचवा नंबर पता रहा है कि 30% कितना परसेंट, 30% ईथर में इसका उपयोग, इसका प्रयोग सज चिकित्सालयों में निश्चेतक के रूप में जो यूज करने में प्रयोग किया जाता है, तो क्या पता। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इसके स्थान पर हम क्या करते हैं, ईथर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, ईथर का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, तो इस तरह से भौतिक क्लोरोफार्म का बनाने की विधि हो गई, भौतिक गुण हो गया, रासायनिक गुण हो गया, उपयोग हो गया, और प्रैक्टिकल की एक बात बताई गई। और लास्ट में आपको ये बता देता हूं कि शुद्ध रूप से क्लोरोफार्म कैसे हम जानेंगे कि है, इसके लिए बहुत टॉपिक है, लेकिन मुख्य आपको जो है समझ लीजिए। कह रहा है कि शुद्ध क्लोरोफार्म AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, क्या नाम है, सिल्वर नाइट्रेट, बिलियन के साथ अवक्षेपित नहीं होता, यानी अवक्षेप नहीं देता है, जो प्रैक्टिकल संबंधित है। ठीक, दूसरा चीज, क्लोरोफार्म की वाष्प, क्लोरोफार्म को गर्म करेंगे तो इसकी वाष्प निकलेगी, इनकी वाष्प को कापर की तार, कापर की तार की सहायता से परीक्षण में हरी लौ के साथ जाती है, यानी कापर का तार लेकर के इसके साथ संपर्क इनको लगाएंगे, जलाएंगे वाष्प को, तो किस लौ के साथ, हरी लौ के साथ जलता है। इस प्रकार से हमारा समाप्त होता है क्लोरोफार्म, और अगले दिन हम लोग मिलेंगे आयोडोफार्म और ब्रोमोफार्म के, दो टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम अगले दिन विद्वत बताएंगे।